यहाँ है। ये देखिए आज हमारे कोलकाता में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ चुकी है। आज हो रहा है यहाँ पे भारी बारिश, क्योंकि यहाँ पे बोला है हाई अलर्ट का गवर्नमेंट ने किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है हैवी रेन। यहाँ पे हमारा पूरा फ्लड हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं दिखा रही हूँ कि मेरा अभी क्या हाल है। बहुत ही ख़राब हालत में हूँ। देख सकते हैं कि मेरे दुकान का जितना आइसक्रीम है सब यहाँ पे स्टोर की हूँ, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर में शॉप है तो उसमें पानी घुसने का पूरे चांसेस है। नीचे का ये देखिए बाहर सब रखा हुआ है, ये रहा कार्टून जिसमें आइसक्रीम लेके आके फ्रिज में रखी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ मैं। टाइम बज रहा है रात के, दिख रहे देख सकते हैं 11:38 चल रहा है। तो सोच सकते 12 बजने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मेरे लाइफ स्टाइल में हमेशा शेयर करती हूँ, तो ये जो मेरी प्रॉब्लम आई है आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी के लिए तो चलिए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं कि मेरे शॉप का क्या हालत है, तो उसके बाद बाहर का भी दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो ये रहा मेरा हस्बैंड पानी निकाल रहे हैं और फिर से फिल्टर को भरेंगे, ताकि रिजर्वर में अगर गंदा पानी घुस जाए तो उसको साफ करने तक खाने का पानी हमारे पास अवेलेबल रहे। मेरी बेटी वो मेरे साथ चल रही है दुकान में। तो दुकान का हालत मतलब जितना कोशिश कर किया है हम लोग ने कि निकाल के मतलब दुकान से घर वाप एक और एक मेरा साथ में लगा हुआ मेरा जिम है, मेरे हस्बैंड का मतलब हमारा एक जिम भी है उसके साथ ही लगा हुआ है दुकान के सामने। तो ये रहा देखिए दरवाज़ा खोल के मैं एंट्री ले चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे सब सामान बिखरा हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा जिम है यहाँ पे, तो जिम में सब सामान सब लेके आएंगे, ताकि ये देख सकते हैं मसाला, ये रहा यहाँ पे राइस होगा, इसमें दाल है मसूर की ताकि ये ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे अंडा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब है सामान है, जितना सामान है लेके आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी लेके आए, मैंने लाइट जला दिया है यहाँ पे, सब स्टोर करके रखी है आप देख सकते हैं। तो ये रहा देख सकते हैं सब सामान दुकान से लाया गया है यहाँ पे। तो ये मेरा जिम है, तो ये लगवा है तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, सब ला के यहाँ पर रख दिया, क्योंकि अगर बारिश का पानी अंदर आएगा तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सब सामान देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रखा हुआ है। तो दुकान में चलती हूँ लेके कि वहाँ पर क्या हालत है। तो मैं आपको सब आज घूम के दिखा रही हूँ मेरा, तो मैंने कभी शो नहीं किया आप लोग को कि मेरा जिम है, एक ग्रॉसरी स्टोर है, तो आज वो दिखाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत सब सामान रहता है, वो सब सामान अभी सब वहाँ पे लेके जा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं सब सामान यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो बाढ़ का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सब टेंशन है नीचे, तो यहीं का तो इसी का ही प्रॉब्लम है। वो सब लेके चली गई हूँ। तो बाहर का भी हाल आपको जैसे छोटा सा अपलोड है मेरा, कि मेरा सिचुएशन अभी बहुत ही मैंने प्रॉब्लमेटिक है, क्यों कुछ नहीं बोल सकती। अभी तक तो पानी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा गीला हुआ है यहाँ पे, थोड़ा बहुत पानी घुस रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होगा तो ये पूरा अंदर आ जाएगा, पूरा ये फ्लड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हाई एंड टेंशन चल रहा है हमारे घर में कि अगर ऐसा अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, आपदा तो को रोक नहीं सकता है, इसका प्रिकॉशन जितना ले सकते ले सकते हैं। तो इसी चीज़ का टेंशन है कि भगवान करे कुछ ना हो, तो कोशिश इसी में है कि कुछ नुकसान ना हो, और देखते हैं क्या होता है। अगर बीच रात में अभी 12 तो बजने वाली है, अगर सडनली अगर और जल्दी जब बारिश अगर तेज़ आ जाएगी तो शायद ख़राब होने का चांसेस भी है, तो उसका उस समय और एक प्लान लेना पड़ेगा कि अगर पानी के हिसाब से कितना वो ऊंचा उठेगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो कोलकाता में ये रेड अलर्ट है, तो हर जगह में ऑलमोस्ट सुन रही हूँ कि पूरा कोलकाता में गले तक पानी आ चुका है, भर चुका है। हमारे यहाँ तक उतना अभी तक नहीं है, कमर तक है, लेकिन गले तक होने में कितना देरी है बोलिए, हो भी सकता है ना। तो यही बात है, देखते क्या होता है इसके बाद में। तो चलिए चलते मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ ना। यहाँ पे भी देखिए पूरा पानी पानी आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा पानी पानी अंदर से, ये कहाँ से पानी आ रहा है भगवान जाने। ये एक्चुअली दूसरा पानी है, ये पानी हम लोगों ने मेरी बेटी ने फेंका है मैंने सोचा। तो ये रहा, ये मैं खिड़की से दिखा रही हूँ आपको, दिखा पा रही हूँ कि नहीं पता नहीं, ये पानी हो गया, अच्छा खासा बारिश हो रहा है, दिख नहीं रहा है कैमरा में, आ नहीं रहा है। यहाँ पर भी बहुत पानी पानी हो गया है, तो मैं दूसरा लोकेशन में चलती हूँ, दिखाती हूँ मैं वहाँ पे क्या हालत है।
तो मैं अभी ऊपर आ चुकी हूँ मेरे बरंदा में, तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हालत है। लाइट मेरा जला लेती हूँ। हाँ ये रहा, तो रोशनी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत कितना ऊंचा हो गया पानी, मतलब बहुत ही ऊंचा हो गया, तो कमर तक बहुत ऊपर पानी आ चुका है। भगवान जाने अब क्या हुआ, आई डोंट नो, टेंशन हो रहा है। अब इस तरफ अगर मैं दिखाऊँगी बरंदा में तो देखिए यहाँ पे पूरा दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे आप पूरा पानी पानी देखेंगे। हैवी रेन अभी भी हो रही है, थोड़ा भी कमी है, इससे पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी और बिजली भी बहुत चमक रही है। तो आपको मैं बैक कमरा में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। चलिए तो आप लोगों ने देखा, मतलब आमफान में भी कुछ महीनों पहले जो पिछले साल जो आमफान हुआ था तूफान, उसमें भी इतना पानी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जितना पानी हुआ है, मतलब ऐसा बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है ये पानी, मतलब इतना भरा भरा ऐसा नहीं था। तो बहुत ही टेंशन है, भगवान जाने क्या होगा, मेरा शॉप का कहीं नुकसान ना हो जाए, टेंशन में हूँ अभी। तो आज का ब्लॉग मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि मेरे लाइफ में आज के दिन क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको दिखा होगा मेरा परेशानी, जो भी अच्छा लगेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इसके बाद जाऊंगी मैं सोने, क्योंकि रात के 12 बच्चे के मेरे बेटी मेरा बेटा बेटी मेरे लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं ना सोऊं तो वो नहीं सोते हैं, तो उनके लिए मुझे जल्दी बिस्तर में जाना पड़ेगा, मैं सोने जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए बाय बाय। गाड़ी गुलो की सुनो सुनो एक को जल।